18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा दंगल। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह से ही वोटिंग हो रही है, हम आपको बता दें, और लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह 9 बजे तक कुल करीब 7% मतदान हुआ है। कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की भी शिकायत मिली है, हालांकि उन्हें जल्दी दूर भी कर लिया गया। कई जिलों में लोगों ने ईवीएम के धीमे चलने की भी शिकायत की है। लखीसराय के एक बूथ पर तो लोगों ने खेल के मैदान के लिए वोटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार में पहले चरण का मतदान हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 इंडिया पर सुबह 7 बजे से ही जब से मतदान हो रहा है, पल पल की जानकारी हमारे रिपोर्टर्स तमाम अहम सीटों से और तमाम अहम जिलों से दे रहे हैं। 16 जिले हैं, 71 सीटें हैं, और पहले चरण में आखिर किसके नाम पर जनता मुहर लगाएगी, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। अपने रिपोर्टर्स के साथ मैं आपका परिचय करा दूं। मैं आपको बता दूं कि अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और देखिए उससे पहले जरा ये वीडियो कॉल हमारी देख लीजिए। अरुण सिंह हमारे साथ बाढ़ से जुड़े हुए हैं, रवि सिंह हमारे साथ इमामगंज से हैं, अमित पांडे दिनारा से हमारे साथ है, सासाराम से हमारे साथ नीरज है, और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी हमारे साथ है। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि न्यूज 18 इंडिया पर हमारी कोशिश यही है कि चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाए, और आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जल्दी से रुख करेंगे बाढ़ का। हमारे साथ संवाददाता अरुण सिंह मौजूद हैं। अरुण, ये बताइए, बाढ़ में मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कोरोना की वजह से काफी इंतजाम जो है उनको व्यवस्थित किया गया है, और किस तरह की सावधानियां बरती गई हैं, कितनी संख्या में, क्योंकि सुबह 10 बजने वाले हैं, अब कितनी बड़ी संख्या में वोटर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, यही तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता था। सुबह 7 बजे से लेके तमाम बूथों पर, मैंने जहां का दौरा किया वहां पर तमाम वोटर थे, लेकिन ये एक ऐसा बूथ है जहां पर 5 बूथ हैं, और इन 5 बूथ में अगर आप देखिए तो मतदान सुचारू पूर्वक चल रहा है। यहाँ पर कोई किसी तरह की शिकायत तो नहीं है, बट मतदाता जो है वो घरों से निकल नहीं रहे हैं काफ़ी संख्या में। मैं सुबह से जिस बूथ पर था वहाँ पर मतदाता बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर कतार लगाने में दिक्कत हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए पर्याप्त मात्रा में जगह है, और आप देखिए यहाँ पर मतदाताओं के आने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर व्हाइट कलर की सर्किल भी बनाई गई है, लेकिन मतदाता यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ पर देखिए व्यवस्था अच्छी है, यहाँ पर एक व्हील चेयर भी रखी हुई है कि जो अशक्त हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको इस व्हील चेयर के जरिए मतदान बूथ तक ले जाया जा रहा है। साथ ही साथ मैंने पहले के बूथ पर आपको दिखाया था किस तरह से लोग यूज्ड ग्लव्स और जो मास्क है उसको कहाँ फेंक दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बिहार विधानसभा आम निर्वाचन जिला पटना उपयोग किया गया मास्क और ग्लव्स इसमें फेंके, यानी इस बात की भी व्यवस्था है कि जो मास्क और ग्लव्स हैं उसको यहाँ वहाँ कोई ना फेंके और उसको उचित जगह पर ही फेंके। बहुत बात हो रही थी आधी आबादी की महिलाओं की, एक महिला हमारे साथ है, देखिए यहाँ पर वोट देके आ रही है। क्या मुद्दे थे आपके चुनाव में, क्या दिमाग में था जब वोट देने गई? देखिए गांव गांव की महिला है कुछ, आप बताइए क्या मुद्दा था आपका, जब दिमाग में क्या था वोट देने गई? अच्छाई हमको लगा था कि ये उम्मीद क्या है जो नई सरकार आएगी या यही सरकार रहेगी, जो भी फैसला होगा उम्मीद क्या है जो सरकार होगी? उम्मीद तो यही है कि गरीब लोग को देखें और फिर सुविधा दें, उस पर देखें, और का नली गली बनाने का उस पर बढ़िया देखें गरीब लोग को कि कैसे हम लोग दिक्कत से रह रहे हैं, वो सब देखेंगे सरकार और का। जी नहीं, हाँ तो देखिए ये हैं, कह रहे हैं कि गरीबों की सुध ले ऐसी सरकार उनको चाहिए। जी बिल्कुल, और हम थोड़ा सा ये देख रहे हैं अरुण, मुझे कहीं ना कहीं ये सेंस लगा कि जो वोटर हैं थोड़ी सी उनमें उदासीनता दिख रही है। दूसरा, बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, बावजूद इसके कि आपने दिखाया कि इंतजाम जो है वो काफ़ी बड़े स्तर पर किए गए हैं। हम जल्दी से रुक करना चाहेंगे इमामगंज का, रवि सिंह हमारे साथ है। रवि, इमामगंज पर बहुत ही दिलचस्प फाइट है, जीतन राम मांझी बनाम उदय नारायण चौधरी। आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि लोगों की कतार मुझे दिखाई दे रही है, किस तरह का वोटर टर्नआउट और किस तरह की हलचल वहां पर? नेहा, सबसे पहले मैं यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूंगा, और ये तस्वीर खास इसलिए है क्योंकि इमामगंज ऐसा इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका है। यहाँ पर देखिए सुरक्षाकर्मी किस तरीके से एलएमजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, और एक दिन पहले चुनाव आज हो रहा है,
एक दिन पहले ही यहाँ पर बम प्लांट किया गया था, 3 जो केन बम का इस्तेमाल किया गया था और जिसको डिफ्यूज किया गया वक्त पर रहते हुए, उसके वजह से यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा बल जो है तैनात किया गया। यहाँ पर जो लोकल पुलिस है इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान है चप्पे चप्पे पर मौजूद है, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद है। और एक दूसरी तरफ दिखाना चाहूंगा कि जो तस्वीर यहाँ पर स्कूल है, जो पोलिंग बूथ है, वो गेट पर ही उन लोगों को रोक दिया जा रहा है और जब भीड़ कम हो रही है इसके बाद वहां से अनुमति मिल रही है यहाँ पर लाने की। ये बताइए मैडम, ये जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई, जो बम लगाया गया था उसकी वजह से इतना ज्यादा है? जी 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 सर। हाँ? जी कितना ज्यादा खतरा था? नहीं इतना तो हमको पता नहीं था, हम लोग तो सुबह ड्यूटी पे आए, जो पहले से ड्यूटी पे होंगे उनको मालूम होगा। तो ये स्थिति है। और एक एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर जो चुनाव में जो ड्यूटी पे लगे हुए हैं, ये ग्लव्स, सैनिटाइजर और तमाम चीजें उनका इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब वोटर्स अंदर आ रहा है पोलिंग बूथ के अंदर, उनको ग्लव्स दिया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है, उसके बाद ही आगे जाने की अनुमति मिल रही है। महिला और पुरुष दोनों की जो कतार है वो अलग अलग लगाई गई है और जो भी अंदर जा रहा है ईवीएम का इस्तेमाल करने के लिए उसके हाथ में ग्लव्स यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, इस तरीके के इंतजाम है। क्योंकि पहले ही कहा गया था कि क्योंकि ये कोरोना काल में है, चुनाव हो रहा है, उसकी वजह से इन्फेक्शन ना फैले, जो चुनाव आयोग ने तमाम सावधानियां बरतने के लिए निर्देश दिए थे, उसकी वजह से ये तमाम चीजें की जा रही है। नेहा जी बिल्कुल। तो रवि, एक बहुत ही खास तस्वीर आपने दिखाई और जैसा आपने बताया कि इमामगंज नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की प्रतिष्ठा भी यहाँ पर दाव पर है। तो क्योंकि हम जीतन राम मांझी की बात कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को घेरते हुए आरोप लगाया कि वो अपनी रैलियों में भीड़ झारखंड से जुटाते हैं। सर ये बताइए कि इस बार का चुनाव कितना ज्यादा आपके लिए कड़ा मुकाबला है? सबसे पहले आपकी सीट को लेकर हम बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ कोई कड़ा मुकाबला नहीं है, जैसे 2015 में रहा था उससे भी ज्यादा इस बार मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। क्योंकि एक मुद्दा यहाँ का रहा है शांति व्यवस्था, दूसरे को लगाना बजाना टेरोराइज करना, ये सब 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, सब लोग शांत जिसका जीवन व्यतीत किए, वही अपेक्षाएं इस बार भी है कि 5 साल और क्षेत्र में इसी प्रकार से शांति व्यवस्था रहे। तो जीतन राम मांझी को आप सुन रहे थे और देखिए ये जो 71 सीटें हैं पहले चरण में जिन पर आज वोटिंग हो रही है, इनमें कई सीटें ऐसी हैं जो आरजेडी की मजबूत सीटें भी रही, लेकिन 2015 में याद कीजिए कि समीकरण बिल्कुल अलग था। उस वक्त आरजेडी और नीतीश साथ साथ थे, इस वक्त हम, नीतीश और बीजेपी साथ साथ हैं और इसी वजह से आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कि पहले चरण में जो उसने सीटें 2015 में जीती थी उन सीटों को कम से कम रिटेन करके रखे। लेकिन बीजेपी और जेडीयू के लिए भी खतरे की घंटी यह है कि एलजेपी इस बार एनडीए से अलग होकर लड़ रही है। हम सीधा जरा रुख करेंगे सासाराम का, जहां पर नीरज हमारे साथ है। नीरज, यहां पर मुख्य मुकाबला रामेश्वर चौरसिया का है जो कि बागी होकर बीजेपी से अब एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ जेडीयू के ललन पासवान है। कुल मिलाकर के किस तरह की स्थिति बन रही है और जहां तक वोटर्स का सवाल है, सबसे बड़ा मुद्दा सबके दिमाग पर सासाराम में क्या छाया हुआ है? देखिए नेहा, यहाँ मुकाबला जेडीयू, एलजेपी और तीसरी पार्टी यानी जो आरजेडी है उनके बीच है। और सबसे पहले आपको मतदान केंद्र की स्थिति दिखा, महिलाएं लगातार जो हैं भारी संख्या में पोलिंग बूथों पे पहुंच रही है। आप देख सकते हैं सुबह से ही हम यहां मौजूद हैं और जो महिलाओं की तादाद है आप देख सकते हैं, लगातार महिलाएं आ रही हैं और वोट कर रहे, तो ये सबसे बड़ी बात है जहां हम लोग मौजूद हैं कि महिलाएं खुलकर वोट कर रही हैं, पहुँच रही हैं वोटिंग केंद्र तक और तमाम जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसका पालन हो रहा है। दूसरी अहम बात कि जेडीयू से यहाँ अशोक कुमार है जो कि पिछली बार आरजेडी से विधायक थे और आरजेडी ने एक नए चेहरे पर दांव लगाया है, और एलजेपी से रामेश्वर चौरसिया जो कि बीजेपी के नेता थे वो चुनाव मैदान में थे, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय है इसलिए ये बताना फिलहाल मुश्किल होगा कि किसके पक्ष में पलड़ा भारी है। लेकिन आज जनता का दिन है, मतदाता का दिन है, कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो युवा मतदाता अभी पहुंचे हैं। आप आइएगा, आप लोग ये बताइए इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप लोग, मुद्दा क्या? मुद्दा है ये नौकरी का है, नौकरी का मुद्दा, नौकरी के अलावा? हाँ ये नहीं मिला हम लोग को, जैसे विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया, विशेष मिल जाना चाहिए था, विशेष राज्य का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जमीन पे जैसे शराबबंदी पे बहुत बात होती है, उस पर आपका क्या मत है? शराबबंदी है कहाँ पे, पहले से ज्यादा और बिक रहा है। शराबबंदी से फायदा हुआ, आप तो महिला हैं, आप बताइए।
आप बताइए शराबबंदी, शराबबंदी से फायदा हुआ है लेकिन यहाँ तो शराब मतलब घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। जी बिल्कुल तस्करी हो रही है, ये शिकायत है। शराबबंदी से फायदा हुआ, शराबबंदी से फायदा अब देखिए ये लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी से भले ही फायदा हुआ लेकिन तस्करी से जो है लोगों को शराब मुहैया हो रहा है, लोगों के घर तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, और यही बात कुछ ना कहीं इसी तरह की बात नीरज चिराग पासवान ने भी कही थी जब उन्होंने ट्वीट करके ये कहा था कि बिहार में शराबबंदी के बहाने बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। तो बेरोजगारी हो, शराबबंदी हो या फिर नीतीश कुमार का 15 साल का कामकाज, ये सभी मुद्दे कहीं ना कहीं वोटर्स के दिमाग पर छाए हुए हैं। और इस बीच बिहार के लखीसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वोट डाला और लोगों से भी मतदान करने की अपील की है। करना पड़ा, मशीन खराब हो गया लेकिन मेरा निश्चय एक मतदाता के नाते दृढ़ था कि बिना मत दिए हुए, बिना मतदान किए हुए हम यहां से नहीं जाएंगे और हमें मतदान करने का मौका मिला। तो गिरिराज सिंह ने अपना वोट डाला है और देखिए आज की ये वोटिंग इसीलिए भी अहम है क्योंकि नीतीश सरकार के 8 मंत्री ऐसे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज पहले चरण की वोटिंग के दौरान ही होना है। हमारे साथ इस वक्त अमित पांडे दिनारस से जुड़ गए हैं, सीधे अमित पांडे का रुख करेंगे। अमित, आप जिस सीट पर इस वक्त अपनी निगाह लगाए हुए हैं वहां पर जेडीयू से जयकुमार सिंह बनाम एलजेपी से राजेंद्र सिंह का मुकाबला है। अपने पीछे मैं देख पा रही हूं आपकी जो कतार है उसमें मुझे कई महिलाएं दिख रही हैं, किस तरह की हलचल इस वक्त उस पोलिंग बूथ पर जहां पर आप हैं? देखिए इस वक्त हम दिनारा विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहां पर पुरुषों और महिलाओं की जो पंक्तियां हैं वो लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है। हालांकि एक घंटे तक यहां पर जो ईवीएम थी वो खराब थी लेकिन अब जो ईवीएम ठीक हो गई है और पोलिंग का जो प्रोसेस है वो यहां पर सुचारू रूप से यहां पर चल रहा है। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग है वो यहां पर लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं लेकिन व्यवस्था यही की जा रही है, अरेंजमेंट यही किया जा रहा है कि पुख्ता तरीके से बेहतर तरीके से यहाँ पर मतदान हो सके। कुछ युवा हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आप आई हैं यहाँ पर, आपके लिए इस बार चुनाव में क्या मुद्दा है अहम? मुद्दा यही है कि हम वोट देने आए हैं और तेजस्वी को जीताना चाह रहे हैं। नहीं, पार्टी की बात अभी मत करिए यहाँ पे, आप सिर्फ मुद्दे की बात बताइए। वोट देने आए हैं, मेरा यही मुद्दा है और मेरी एक छोटी सी बच्ची है और बहुत सी मन में लालसा लेकर आए हैं कि हम अपने वोट दें और जिसको भी चाह रहे हैं उसको जिताएं। आप बताइए किस इस इलाके के लिए आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है? वोट मारने आए हैं। तो तमाम इंतजाम के बीच में यहाँ पर मतदान चल रहा है। एक और चीज़ नेहा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आशा वर्कर, हेल्थ वर्कर लगातार सुबह से काबिले तारीफ है इनका काम। सुबह से ये जितने लोग आ रहे हैं इनको सैनिटाइज कर रही है, बकायदा टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। मैं आपके पास आगे आऊंगी क्योंकि दिनारा में देखिए कई बड़ी संख्या में जो जनता है वो वहां पर मौजूद है। एक टिप्पणी जल्दी से शेष जी, मैं आपसे चाहूंगी क्या आपको भी ये महसूस हो रहा है कि क्या चुनाव का दिन है, कोई खास वजह है? क्योंकि जब मतदाताओं के पास हमारे संवाददाता जा रहे हैं तो उनका रिस्पॉन्स बड़ा गार्डेड है, मुद्दों के ऊपर भी बहुत ही फूंक फूंक कर बात रख रहे हैं बिहार के मतदाता, ऐसा क्यों? ये जागरूकता है, ये मुद्दों को अपने आप अपने अपने मन में क्या है उसको बाहर ना आने दें, ये जागरूकता की निशानी है। और जो शुरू में मशीनों की ज्यादा खराबी आई और एक केंद्रीय मंत्री थे बेचारे वो इंतजार करते हैं वो तैयारी में, लेकिन कोरोना की तैयारी आप देखें आशा वर्कर जिस तरह से लगी हुई है कि कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। और मतदाता अगर अपने मन की बात नहीं बता रहा है क्योंकि देखिए पता तो लग ही जाता है, अब रोजगार कहेगा तो हम जान जाते हैं क्या है, वो शराबबंदी के पक्ष में होगा तो हम जान जाते हैं क्या है। जो कुल मिला के ये चुनाव बहुत ही अवेयरनेस के साथ लड़ा जा रहा है और ये इस लोकतंत्र के लिए अच्छी बात जी नहीं है। दिलचस्प बात आपने कही शेष जी कि मतदाता भी जो है वो अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रहा है और क्योंकि आज हम ये नहीं कहेंगे कि किसका पलड़ा भारी किसका कमजोर, आज जो दिन है जैसा कि शेष नारायण जी ने कहा वो सीधे तौर पर जनता का दिन है। इस बीच बिहार के बक्सर में वोट डालने के बाद एक दिव्यांग ने खुशी जताई और लोगों से मतदान करने की अपील की। तमाम लोग अपना मत का प्रयोग करना चाहते हैं और ऐसे ही एक बूथ पर एक शख्स पहुंचे हैं।
जो भले ही दिव्यांग है लेकिन उनके हौसले को सलाम करने का मन करता है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सर जी। मनोज जी, आपने वोट डाल दिया? जी सर। दिखाइए। तो देखिए, मनोज ने अपना वोट डाल दिया, कैसा लगा उत्साह? बहुत अच्छा लगा सर। और लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे, जो लोग अभी घर से नहीं निकले उनको क्या मैसेज देंगे? उनको भी वोट देना चाहिए, जल्दी से जल्दी घर निकलना चाहिए, घर से निकलना। तो आप अपील कीजिए ना कि लोग जल्दी से जल्दी घर से निकले। अभी आइए और वोट दीजिए, और भारी मतों से जितना ज्यादा हो वोट कीजिए, परसेंटेज बढ़ाइए। तो 16 जिलों की 71 सीटों पर आज हो रही है लगातार वोटिंग, और हर अहम सीट पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं ताकि हर तस्वीर आप तक पहुंच सके। जल्दी से एक बार फिर से हम रुक करेंगे बाढ़ का। अरुण सिंह हमारे साथ हैं। अरुण, वहां पर कुछ माहौल बदला क्या? धीरे धीरे करके वोटरों ने अपने घर से निकलना शुरू किया है? देखिए, निश्चित रूप से मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि वोटर अब आना शुरू हो गए हैं। हालांकि तमाम जो बूथ हैं इसके आसपास के वहां पर लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर लाइन तो नहीं लगी है, लेकिन आपको दिखाऊंगा मैं ज़रा तस्वीर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वोटर हैं वो आते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है। देखिए, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद सैनिटाइजर उनको दिया जा रहा है। उस सैनिटाइजर से वो अपने हाथ को साफ कर रहे हैं, और उसके बाद उनको ग्लव्स भी दिया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में ग्लव्स भी दिया जा रहा है। उस ग्लव्स को लेकर के वो अंदर जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो कोशिश ये हो रही है, देखिए यहाँ पर, कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। और इस पूरी गैलरी में आप देखिए, तीन बूथ हैं इधर, तीनों बूथ में जो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट हैं वो वोटरों को पर्ची देते हैं। उसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के तहत उनको सबसे पहले यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद सैनिटाइजर, उसके बाद जो है ग्लव्स, और इसको प्रॉपरली ले जाकर के वहाँ पर डिस्पोज ऑफ करने की भी व्यवस्था है। कई बूथों पर मुझे व्यवस्था नहीं दिखी थी, यहाँ पर है। दूसरी तरफ दो बूथ हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत रूप से मतदाता कम है। और आपको सामने की तस्वीर दिखाऊं तो अब कुछ मतदाता आना शुरू हुए हैं, यानी इस बूथ पर अब वोटिंग का परसेंटेज बढ़ने वाला है। अब तक बहुत ही धीमी रफ्तार थी वोटरों की, वोटर भारी संख्या में निकल के आ नहीं रहे थे, लेकिन अब आए हैं। तो मैं जरा दो युवा वोटर हैं, जरा इनसे बात करना चाहता हूं। जी अरुण, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस वक्त रवि हाथ उठा रहे हैं, एक बार जल्दी से मैं उनके पास जाना चाहूंगी। जी रवि। नेहा, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो बड़ी चुनौती इस बात यह है कि नक्सल प्रभावित इलाका है, और इस तरीके की सिक्योरिटी की व्यवस्था जो की गई है, और एक दिन पहले ही यहाँ पर बम मिले थे, तीन बम मिले थे, इनको डिफ्यूज किया गया। दूसरी बड़ी दिक्कत यह है प्रशासन के सामने, और वो सुबह के 7 बजे से शाम के 4 बजे तक ही वोटिंग है, क्योंकि जो इलाके नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहां पर सिर्फ शाम के 4 बजे तक ही वोटिंग की अनुमति है। और ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि जल्द से जल्द जितने भी वोटर्स हैं, सुरक्षा जहां पर आप मौजूद हैं, अमित पांडे भी कुछ कहना चाहते हैं। जी अमित, हमने आपको दिनारा की तस्वीरें दिखाई थी, और इधर हमने आपको ये पंक्तियों की लाइन की तस्वीर दिखाई थी। अब इसमें गैप बना है, इन पंक्तियों में गैप बना है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है, सुरक्षा बल जो है लगातार महिलाओं को और लोगों को समझा रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कायम करिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग लगातार कायम करिए। इससे पहले के चुनाव में इनकी ड्यूटी सिर्फ होती थी सुरक्षा मुस्तैद रखना, लेकिन पिछला जैसा कि हम 8 महीने से देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, ये सुरक्षा बल कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का पालन करवा रहे हैं, और तमाम जो ड्राइव है कोरोना के खिलाफ वो चला रहे हैं। इस चुनाव में इनकी सक्रियता, इनकी भूमिका, इनकी कितने महत्वपूर्ण हमारी व्यवस्था के लिए, इस पहलू पर भी ये देखने को मिल रहा है। अमित, मैं आपके पास आ गया हूँ। देखिए, कई सारी महिलाओं की कतार आप दिखा रहे हैं, उधर सासाराम से नीरज भी हमको बुला रहे हैं। जी नीरज। बिल्कुल, कुछ वरिष्ठ महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, आप देख सकते हैं, मुश्किल दौर में, मुश्किल भी है, लेकिन हौसले को सलाम इनके। आप लोग वोट देने यहाँ पहुंची हैं, लेकिन किस मुद्दे पे वोट करेंगी आज? मुद्दा क्या होगा, किस मुद्दे पे? तो महिला सुरक्षा पे वोट करेंगी, शराबबंदी को कैसे देखती हैं? देखिए, ऐसे भी मतदाता हैं। आप बताइए, आप वोट करने जा रही हैं, किस मुद्दे को आधार में मान के वोट करेंगे? भाई, हम तो बेरोजगारी है, गरीबी है, यहाँ तो किसी गरीब आदमी कुछ नहीं मिला, बेचारा सही है, लॉकडाउन हुआ में खाने के बिना वो मर रहा है गरीब, जिसको हम लोग देख रहे हैं, उसको हम लोग कुछ दे रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से तो नहीं मिल पाए। तो एक चीज़ बताइए कि बिहार चुनाव में शराबबंदी पे बहुत सियासत हो रही है, तो ये मुद्दा है चुनाव में? बहुत बड़ी मुद्दा है, और नीतीश जी ने अच्छा किया, शराबबंदी करके बहुत सारे घर को बचा लिया, बहुत महिलाओं की जिंदगी
नहीं बल्कि परिवार बचा दी। बिल्कुल, देखिए नीरज, ये बहुत साफ है कि यहाँ पर जो महिलाएं आई हैं, सबसे पहले तो उनके जज्बे को सलाम है कि कोरोना के इस काल में अपने घर से निकलकर वो वोट डालने आई हैं। और शराबबंदी जाहिर तौर पर महिलाओं के बीच अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव में। अमित, मैं आपके पास आऊँ उससे पहले मैं गया का रुख करना चाहूंगी। अरुण चौरसिया हमारे साथ हैं। अरुण, आपके पीछे कितनी कतार वोटर्स की और किस तरह की हलचल वहां पर? नहीं, निश्चित रूप से काफ़ी उत्साह है मतदाताओं में। सुबह से लंबी कतारें थी यहाँ पर और अभी भी लोगों की लाइन लगी हुई है, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं। सभी लोग आए हैं और अपनी, चूंकि कोरोना का काल है और पहली बार कोरोना काल में वोटिंग हो रही है, लेकिन जो भी यहाँ लोग आ रहे हैं उनकी एक इच्छा है कि जो मताधिकार का है, मत का जो अधिकार है, उसका वो ज़रूर इस्तेमाल करें। और यही वजह है कि ना सिर्फ महिला और पुरुष बल्कि युवा भी हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं। कुछ वोटर हैं, हम उनसे भी आप बात करना चाहेंगे कि आखिर इस बार का क्या मुद्दा है। अच्छा, आप बताइए, यहाँ आए हैं, इस चुनाव का क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या, विकास का मुद्दा है और मतलब देश बढ़िया रहे, अपना बिहार बढ़िया रहे, कोई तरह का टेंशन नहीं हो, किसी भी तरह का विकास हो, गरीब लोग को नौकरी मिले। राजनीतिक दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आप लोग क्या इसमें समझते हैं? इसमें हम लोग कुछ नहीं समझते हैं, सब एक ही है, चाहे कोई भी राज हो, कोई भी मतलब, चाहे वो BJP हो, चाहे RJD हो, चाहे कांग्रेस हो, सबका बस अपना वोट लेना है, लेकिन अपना मतदान हम लोग को देना है। लोग पार्टी देख रहे हैं या प्रत्याशी? बस प्रत्याशी देख रहे हैं, ये प्रत्याशी देख रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। ये बताइए कि कोरोना में कैसे वोट कर रहे हैं और कितना उत्साहित हैं? सावधानी से कर रहे हैं, उत्साहित हैं। इस बार बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। किस बात की बदलाव? बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारा हमारा जल निकासी है, विकास है, सड़क है, पानी है, बहुत सारे मुद्दे हम लोगों के साथ है। क्या यहाँ काम नहीं हुआ है? साफ देख पा रही हूँ कि गया में कम से कम आपके साथ जो वोटर्स हैं वो काफी हद तक वोकल नजर आ रहे हैं, यानी अपने मुद्दों के बारे में वो खुलकर बात कर रहे हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि बिहार के लखीसराय में बालगुदर गाँव के लोगों ने खेल नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए मतदान का बहिष्कार कर दिया। बालगुदर के लोगों ने गांव में खेल का मैदान नहीं बनने तक मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खेल का मैदान था, अब वहां पर जबरन प्रशासन के बल पर वहां पर जबरन म्यूजियम संग्रहालय बना दिया गया। मेरा कहना है कि हमको फील्ड दे दीजिए, वोट चालू हो जाएगा। विरोध करने की बात नहीं है, हमें फील्ड दीजिए, अभी वोट चालू हो जाएगा। लेकिन हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आखिर आपके पास हम जाएंगे मतदान करके कि हमको ये चीज़ का फायदा चाहिए। हमारे मेरे साथ ये परिस्थिति आ गया, आप वहाँ पर भी कदम उठाइएगा कि नहीं, जो हो रहा है सब सही हो रहा है, तो कायल हम मतदान करेंगे। तो देखिए, आज पहले चरण का मतदान है और बिहार में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर खेल का मैदान नहीं तो वोट नहीं, इस तरह से भी नारे चल रहे हैं। मैं एक टिप्पणी इस पर शेषी आपसे लेना चाहूंगी, आज क्योंकि मतदान का दिन है, आज तो कुछ नहीं हो सकता, बावजूद इसके इसे किस तरह से देखा जाए कि लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती अपना वोट नहीं देंगे वो? नहीं, वो मांग उनकी डिफरेंट है, उनके खेल के मैदान में सरकार ने म्यूजियम बना दिया जबरदस्ती, जब उन लोगों ने विरोध किया तो उनको लाठीचार्ज किया, ये लोग महीनों से उस पर लगे हुए हैं और आज तो मीडिया जो भी है सामने, तो उसको उनकी बात पब्लिक तक देश में पहुंच गई, वरना ये लोग उसको दबाए हुए थे। एक बात बताएं भैया, जब जनता खेल के मैदान, अपने खेल के मैदानों को, अपनी विरासत को सुरक्षित रखने के लिए लड़ाई लड़ने लगे, तो समझ जाओ कि डेमोक्रेसी मैच्योर हो गई। उनके गाँव का खेल का जो मैदान था उसमें जो खेलते थे वो कई पीढ़ियों से, उस पर इन भाइयों ने म्यूजियम बना दिया सरकार ने, फिर MP के पास जब गए तो उसने डांट के भगा दिया। तो देखिए, इस तरह से अलग अलग, शेष जी आप बड़ी बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र के ये अलग अलग रंग हैं और उसमें एक रंग हमने देखा जहां पर एक मांग ना पूरी होने पर जो गांव वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। इस बीच बिहार के जमुई से BJP उम्मीदवार श्रेयसी सिंह ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए मतदान करने की अपील की है।
आज जो है मतदान हो रहा है और कितनी जगहों से आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है ईवीएम नहीं चल रही? कुछ जगह से ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन आई है कि ईवीएम नहीं चल रहे हैं और उसकी सूचना हम लोग ने प्रशासन को कर दी है। दूसरी बात, कोविड का समय है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी और मतदाताओं से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोविड की जितनी भी हम लोगों को सुरक्षा के लिए फेस मास्क को हाथ धोने के लिए पन्नी पहन के वोट करने के लिए बोला गया है, प्लीज़ वो ज़रूर करें। साथ ही साथ मतदाताओं को कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े और एक सही प्रत्याशी को चुनने का प्रयास करें। विधानसभा को लेकर आप कितना ज़्यादा आश्वस्त हैं मैम? जी हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमें पता है कि जनता हमारे साथ है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं श्रेयसी सिंह और ईवीएम खराब होने के मुद्दे पर अपनी बात रखती हुई हम अपने रिपोर्टर्स का सीधे रुख कर लेते हैं। अरुण सिंह हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले रवि, जी हाँ आप मुझे बुला रहे हैं, रवि क्या हुआ? एक बार मैं दिखाना चाहूंगी जो ये पोलिंग बूथ के बाहर जो भीड़ थी अब उनको अंदर बुला लिया गया। एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कितनी लंबी कतार है, जितनी लंबी कतार अंदर आपको नजर आ रही होगी बिल्कुल पोलिंग बूथ पर, उससे ज्यादा लंबी कतार बाहर नजर आ रही है। सबके हाथ में ग्लव्स है, हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। अलग यहाँ पर इंतजाम तो किए गए हैं मास्क देने के लिए। आपसे बात करते हैं, आप मास्क क्यों नहीं पहने? मास्क अभी घर पे छूट गया है। यहाँ पे तो मिल रहा था, नहीं खत्म हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा, कितने देर से इंतजार बोले भी उनको कि जब इंतजार कितनी देर से कर रहे हैं आप? हम लगता है एक घंटा से। एक घंटा से बहुत लंबा टाइम हो गया। आप बताइए कितने देर से? बस 15 मिनट हुआ। आप बताइए? बस 15 मिनट। 15 मिनट आप बताइए। एक घंटे से तो हम लोग बाहर में ही इंतजार कर रहे थे, अभी अंदर आने का। अच्छा, थोड़ा आगे 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 सटिए, कुछ और लोगों से बात कर लेते। मैडम मैडम आप मास्क का ही नहीं लगाए? नहीं, मास्क मिला ही नहीं तो क्या लगाए? खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। अच्छा, ग्लव्स मिला है, मास्क नहीं? सैनिटाइजर मिला, ग्लव्स मिला। अच्छा, ये इस तरीके की शिकायतें हैं। और लोगों से बात कर लेते हैं, एक बार महिलाओं के पास में चलते हैं जो काफी लंबी कतार है। मास्क खत्म हो गया क्या आप लोगों के पास में? मास्क खत्म हो गया? अभी तो पूरा दिन बचा हुआ है, तो वहाँ से मिलवे नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए कि तापमान मापने की मशीन है, इसके अलावा ग्लव्स का इंतजाम किया गया है, सैनिटाइजर है, लेकिन मास्क खत्म हो चुका है इस पोलिंग बूथ पर। उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि पहले से अपील की गई थी कि जब आप पोलिंग बूथ पर आते हैं तो वहां पर आपको मास्क दिया जाएगा, लेकिन मास्क खत्म होने की वजह से बहुत सारे लोग। ये जरा चिंताजनक बात है कि कुछ लोगों के पास मास्क है, कुछ के पास ग्लव्स हैं, जबकि प्रशासन की तरफ से ये भरोसा दिया गया था कि पोलिंग बूथ पर हर तरह का इंतजाम किया जाएगा। इस बीच गया से बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार ने इस बात को नकार दिया कि एलजेपी से उन्हें किसी भी उस पर बीजेपी का निशान बना हुआ है, भाजपा लिखा हुआ है, आपने गले में भी जो पट्टा लगाया है ये पटका आपका। प्रचार सामग्री अलाउ नहीं होती है मतदान केंद्र पर, तो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है ऐसा हमने नहीं, हमारे मन में ऐसी बात है नहीं जाकर के, कोई ऐसे मन विचार नहीं है आपके, हम शुरू से ही मतलब रखते हैं जाकर के। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है सर? नहीं, मैंने ऐसा कोई मनसा हमारा नहीं जाकर के, मैं आचार संहिता के साथ रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। जी बिल्कुल, तो हम सुन रहे थे कि किस तरह से, देखिए कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल बना हुआ है कि इस चुनाव में एलजेपी कितना बड़ा फैक्टर होगा। हम एक बार सीधा रुख करेंगे दिनारा का, अमित पांडे हमें बुला रहे हैं। जी अमित। नेहा देखिए, हम आपको यहाँ पर दिनारा के मतदान केंद्र की तस्वीर दिखाना चाहते हैं। छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, छोटे बच्चों को भी लाया गया है, महिलाएं कतार में खड़ी हैं और छोटे बच्चों को भी ले आई हैं। हालांकि ये एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से वो एहतियात बरतते हुए जो भी समझ रही होंगी ले आई हैं। कुल मिलाकर लोकतंत्र का जो ये पर्व है, डेमोक्रेसी का पर्व है, इसमें उत्साहित हैं इन लोग और मतदान के लिए आई हैं अपने बच्चों के साथ। ये बताइए, इस भीड़ में बच्चों को इन्फेक्शन फैलने का तो डर? डर तो है सर, लेकिन क्या करें, वोट देने की वो ज़्यादा दिल में जज्बा है और मैं वोट देने आई हूँ इसलिए, और बच्चा को कोई घर पर नहीं है कि छोड़ के आए, इसलिए साथ में लेकर आना पड़ा बच्चा को। तो ये युवा मतदाता हैं और अपने छोटे बच्चे के साथ आई, कहीं कि मुझे वोट देना है लेकिन जल्दी से वोट देकर चली जाऊंगी और वोट भी देना, कोरोना से बचाव भी करना है। सबसे बड़ी चिंता यहाँ पर ये है कि पोलिंग बूथ पर कई ऐसे लोग मिल रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे हैं। मैं अरुण का रुख करती हूँ, अरुण सिंह हमारे साथ बाढ़ से मौजूद है। अरुण ये बताइए कि जहाँ पर आप हैं क्या वहाँ पर सभी ने मास्क और ग्लव्स लगा रखे हैं, या वहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति है जैसी स्थिति रवि ने हमें इमामगंज में दिखाई? नहीं देखिए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मास्क, देखिए 2-3 महिलाएं आई हैं, मास्क सबने लगा रखा है वहाँ पर। देखिए उनका टेम्परेचर जिनका लिया जा रहा है, उन्होंने भी मास्क लगाया, उनके पीछे जो महिला हैं
उन्होंने भी सफ़ेद कलर का मास्क लगा रखा है और एक अम्मा है वो भी देखिए मास्क लगाई है। इधर अगर मैं बात करूँ देखिए ये मतदाता जो आ रहे हैं इन्होंने भी मास्क लगा रखा है, इनके पीछे जो मतदाता है उन्होंने भी मास्क लगा रखा है। तो अब आप अंदर वोट देने जा रहे हैं, युवा हैं आप, क्या आप लोगों के लिए मुद्दे हैं इस बार के चुनाव के? उसके जी कमल साहब जिंदाबाद नहीं, वोट नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए क्या मुद्दे, कुछ युवाओं के बहुत सारे लोगों के रोजगार मुद्दे हैं जी, क्या मुद्दा आपका? ठीक है क्या सब ठीक है? सब ठीक है नहीं, मुद्दा क्या आपका? मुद्दा क्या रहेगा? कुछ नहीं, देखिए बहुत सारे ऐसे वोटर हैं, बहुत सारे वोटर हैं जो रोजगार की बात करते हैं, बिजली सड़क बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुद्दों पर वहां पर लोग बात रख रहे हैं। लेकिन मैं जल्दी से जरा सासाराम का रुख करती हूँ, नीरज हमें बुला रहे हैं। बिल्कुल, एक मतदाता के साथ बड़ी समस्या हो गई है, उनकी तस्वीर की जगह एक महिला की तस्वीर लगी है, उनके वोटर जो वोटिंग कार्ड है वोटर कार्ड है उस पर, तो आपने ये किसकी तस्वीर है, आप क्या कहा आपको? सर ये बोल रहे सुधारने के लिए हम बहुत बार दिया नहीं सुधर रहा है, बस इसी लेडीज का फोटो आ जाता है। ओके, और हमेशा कहते कि लाइएगा फोटो सुधार देंगे। नेहा चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए, चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए। तो ये आपने वोट दिया? जी सर दिया, बहुत दिक्कत से। कैसे दिया वोट आपने? सर आधार कार्ड दिखाया, वो मोहल्ले के हैं ये पहचानते हैं, तो बोले कि हाँ ठीक है सर इसको जानते हैं, लेडीज का फोटो बराबर आता है। तो कब से ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपकी जगह ये दूसरी महिला की तस्वीर आती है? ये सर ये तीन बार हम दे चुके हैं, तीनों बार सर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहबाज आलम। मोहम्मद जी की जगह आप देख सकती हैं नेहा कि ये महिला की तस्वीर है, हालांकि इन्होंने वोट दे दिया है क्योंकि आधार कार्ड था इनके पास और तमाम जो पोल कर्मी हैं उन्होंने पहचान लिया इन्हें, लेकिन ये समस्या इनके साथ कई चुनाव में आ चुकी है, तो आगे से चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि इस तरह की समस्या। बिल्कुल, तो नीरज आपके माध्यम से न्यूज 18 इंडिया पर ये समस्या हमने उठाई और देखिए लगातार यही कोशिश है कि इस तरह की जितनी परेशानियां आ रही हैं उनको चुनाव आयोग के अधिकारियों के संज्ञान में लिया जाए। आपको ये बताते हुए कि 16 जिलों की 71 सीटों पर बिहार में पहले चरण में चल रहा है मतदान, सबसे बड़ा दंगल जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं।